हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम। एंड सबसे पहले मैं ये बताऊँ, थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर। आज बहुत खुश हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब जाके मेरा चैनल और आगे बढ़ेगा। आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाऊँगी जो कि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सो लेट नहीं करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नेल केयर रूटीन। अभी तो हम फिलहाल बाहर जा नहीं सकते, ये मैंने सोचा कि अभी हम लोग पार्लर नहीं जा सकते या फिर किसी को घर पे नहीं बुला सकते, खुद ही केयर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को अपने नेल पेंट रिमूव करना है। मेरे पास लैक्मे का रिमूवर है, मैं उसी से रिमूव कर रही हूँ। और एवरी 3 डेज में आपको नेल पेंट रिमूव करना चाहिए। अगर आप अपना नेल पेंट रिमूव नहीं करते तो आप हमारे नेल्स बहुत ही ज़्यादा येलोइश कलर के हो जाते, बहुत बहुत दिनों तक और 2 वीक ऐसे रख देते, नेल पेंट रहने देते, या एक भी हम लोग केयर नहीं करते हो तो जो कि बहुत ही गंदे दिखते। अब इसके बाद हम लोग नेल फाइलर यूज़ करेंगे ताकि हमारे नेल्स शेप में हो, अच्छे दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। और हम लोग नेल कट करते तो हमारे नेल्स अच्छे से शेप में नहीं होते, तो इसी के वजह से हमें नेल्स शेप करने चाहिए ताकि वो और अच्छे दिखे। अभी ये थर्ड स्टेप है, आपको गेहूं का आटा और रॉ मिल्क लेना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हो मैंने कैसे किया है ये। तो इसके बाद आप अपने हाथों पे अच्छे से अप्लाई करना है और मसाज करना है। आटा और दूध रहता ही है, तो ये अगर आप डेली भी किया भी तो चलेगा। इससे आपके हाथ फेयर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। ये जो आटा और जो मिल्क है, ये दोनों ही बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। आप इसको इन एवरी 3 डेज में आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको आप डेली भी कर सकते हो तो आप इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। ठंडे पानी में आप अपना हाथ अच्छे से धो लीजिए, नैपकिन में अच्छे से साफ कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग के पास कोलगेट होगा, कोई भी शॉप में आपको ये कोलगेट मिल जाएगा। इससे आपके जो नेल्स के जो ग्रोथ होते हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे कोलगेट लगा रही हूँ हर नेल्स पे। और आपको सॉफ्ट वाले ब्रश लेना है, ये मेरे पास सॉफ्ट वाला ब्रश है, क्योंकि जो बच्चों के जो ब्रश होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला ब्रश यूज़ किया है। आप ये साइड वाले वीडियो पे आप देख सकते हो। तो ये इसको फिर अच्छे से धीरे धीरे से आपको ब्रश, जैसे ब्रश करते हैं वैसे आपको ब्रश करना है धीरे धीरे। इसको 5 मिनट तक आपको ब्रश करना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। अभी इसको वापस हम ठंडे पानी से वापस से क्लीन करेंगे और नैपकिन में वापस से वाइप करेंगे। ये ऐसे मैंने वाइप कर लिया है एंड क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप, अभी मेरा नेल्स वाइटनिंग हो गया है, क्योंकि जो जब हमारे नेल्स बहुत वाइटनिंग हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है, इसीलिए मैं आपको ये अप्लाई करने बोल रही हूँ। आप एक बार अप्लाई कीजिए और देखिए आपको कैसा इसका रिजल्ट मिलता है। ये वॉर्म वाटर है, ये बाउल में मैं वॉर्म वाटर डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं है कि ज़्यादा ठंडा नहीं है। और साथ में मैं लेमन भी कट करके डाल रही हूँ, इससे आपको हम लोग को बहुत रिलैक्स फील होता है। फ्रेंड्स, आपको 15 to 20 मिनट्स आपको अपने हैंड्स इस बाउल में डिप करके रखना है, क्योंकि ये वॉर्म वाटर है, इससे हमको बहुत अच्छा फील होता है और साथ में हमारे नेल्स के जो ग्रोथ होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। इसके बाद आप एक नैपकिन लीजिए, इससे आप अपने हाथ को अच्छी तरह से नैपकिन से वाइप कर लीजिए। निविया का लोशन है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा लोशन है। जैसे ही आप कर लेते हो उसके बाद ये लोशन आपके हाथों पे अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से लगाना है। आपको हल्का सा मसाज करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जितना अपने हाथों को केयर करोगे, जितना आप अपने हाथों को ध्यान रखोगे, अपने फिंगर्स को, अपने हाथों को, अपने नेल्स को जितना केयर रखोगे उतना ही अच्छा लगता है। प्रोसीजर था फ्रेंड्स, और आपको कुछ हम मुझे कमेंट्स में बताना है वो भी बता सकते हैं, रिव्यू में भी बता सकते हो आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।